तो हेलो दोस्तों, शरमन जी के राज की एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो भाई, आज की वीडियो रहने वाली है हमारी बुलेट 350 के ऊपर, और ये है हमारी बुलेट। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बुलेट के साइलेंसर को घर पे ही इजीली कैसे चेंज कर सकते हैं। और ये है इसका कंपनी फिटेड साइलेंसर, जो कि कंपनी से आता है। और आज हम इसमें लगाएंगे ये दो साइलेंसर में से कोई एक साइलेंसर। ये है बड़ा पंजाब साइलेंसर और छोटा पंजाब साइलेंसर, और दोनों ही साइलेंसर अपनी आवाज़ के लिए काफ़ी फेमस और काफ़ी मशहूर हैं। और ये हमारी टूल किट, जो कि हमारी बुलेट में कंपनी से ही आई थी, तो इसी का यूज़ करके हम आपको दिखाएंगे कि साइलेंसर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें अभी कंपनी फिटेड साइलेंसर लगा हुआ है और इसको हम चेंज करेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है जिनके पास बुलेट है, या फिर उन्होंने बुलेट खरीदी है अभी हाल फिलहाल में, पर और उन्हें बुलेट में साइलेंसर चेंज करने का शौक़ है, पर उन्हें साइलेंसर चेंज कैसे करते हैं ये नहीं मालूम, और उसके लिए वो बाहर जाते हैं मैकेनिक पे। तो ये छोटे मोटे काम हैं जो कि हमें खुद को भी आने चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं साइलेंसर चेंज करके आपको दिखा सकूं। पहले मैं अपनी बुलेट को स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूं कि इसकी कंपनी फिटेड साइलेंसर की साउंड कैसी है। तो ये है इसके कंपनी फिटेड साइलेंसर की साउंड। इस साइलेंसर में लगभग लगभग ना के बराबर ही साउंड आती है, क्योंकि ये कंपनी से आता है और काफ़ी साइलेंट साइलेंसर होता है, इसमें किसी भी तरह की आवाज़ नहीं होती। और इस साइलेंसर के बाद जो हम साइलेंसर लगाने वाले हैं अपनी बुलेट में, वो काफ़ी फेमस साइलेंसर हैं, और ऑलमोस्ट हर बुलेट लवर जो होते हैं वो उन्हीं साइलेंसर्स का यूज़ करते हैं अपनी बुलेट में आवाज़ को बढ़ाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं अपने साइलेंसर को चेंज करने की प्रोसेस। मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊँगा। तो सबसे पहले साइलेंसर को चेंज करने के लिए ये कुछ नट्स हैं, जो कि ये है एक पहला नट जो कि हमें खोलना है, और ये है साइलेंसर के बीच में, और ये दो नट खोलने हैं हमें, जो कि इसकी हीट शील्ड होती है बैंड पाइप पे लगी हुई, वो खोलने के लिए। ये खोलना ज़रूरी नहीं है, पर इसे मैं खोल के आपको दिखा दूँगा ताकि आप अच्छे से जान सकें। और ये हमारा साइलेंसर के बीच का पॉइंट जो है, वो वहाँ पर एक नट लगा हुआ है ये। और जो तीसरा नट रहने वाला है हमारा, वो है ये जो हमारा फुटरेस्ट होता है, उसमें जो नट होता है जो कनेक्टेड होता है जिससे साइलेंसर हमारा, वो खोलना है। और इन सभी नट को जैसे ही हम खोलेंगे तो हमारा साइलेंसर पूरा फ्री हो जाएगा, और जैसे ही हम साइलेंसर को खींचेंगे वो आराम से निकल के आ जाएगा पूरा। तो यही कुछ पॉइंट्स थे। तो सबसे पहले मैं इस वाले नट को खोल लेता हूँ अपने साइलेंसर के, जिसमें कि मैं ये वाली चाबी को यूज़ करूँगा। तो ये वाली चाबी है 12 और 10 नंबर की, ये है 12 नंबर का बोल्ट। तो इसको सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ इस चाबी से, 12 नंबर के बोल्ट को। तो इस चाबी को हम यहाँ पे लगाएंगे और इसे खोलेंगे। ये अभी थोड़ा काफ़ी टाइट नट है, तो मैं इसे ढीला कर लेता हूँ पहले। तो ये खुल गया है ये वाला नट, तो इसे पूरा खोल लेते हैं नट को और फिर इसे निकाल देंगे। तो अब हम इन दो नट्स को खोलेंगे। ये प्लेट को खोलना ज़रूरी नहीं है, वैसे इसके बिना भी हम साइलेंसर को चेंज कर सकते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको पूरा खोल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो इसके बीच का वाला जो पॉइंट है वो आपको पूरा विजिबल हो, अच्छे से समझ पाएँ आपकी साइलेंसर को कैसे खोलना है अच्छे तरीके से। तो इन दोनों नट्स को मैं पहले खोल लेता हूँ और इसकी प्लेट निकाल लेता हूँ। तो प्लेट निकालते ही आपको इसके बीच का जो साइलेंसर और बेंड पाइप का जो पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों जुड़ते हैं, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। तो ये नट खोल लिए मैंने दोनों के दोनों। अब मैं ये प्लेट हटाऊंगा और आपको इसके नीचे का पूरा विजिबल होगा। देखो आप, ये है इसका बीच का पॉइंट जिससे कि साइलेंसर और बैंड पाइप दोनों जुड़ते हैं, ये है वो नट मेन। तो अब हम इसको 12 नंबर की, ये भी 12 नंबर का ही नट है, और इसको हम खोलेंगे 12 नंबर को नट को। इसे मैंने ऑलरेडी ढीला कर लिया था क्योंकि ये काफ़ी टाइट था, और इसके दोनों तरफ ही नट है आगे और पीछे, ये दोनों के दोनों। तो इसे आपको खोल लेना है पहले। इसे खोलने के बाद ये साइलेंसर यहाँ से बिल्कुल ढीला हो जाएगा बैंड पाइप के पॉइंट से, और फिर इसके बाद हम आएंगे अपने फुटरेस्ट वाले पॉइंट पे। तो ये है फुटरेस्ट। अब इसमें जो हम लगाएंगे वो है ये 17 नंबर का पाना, इसे पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे लगाने के बाद इसे हमें राइट साइड ऊपर की तरफ पुश करना है, ये काफ़ी टाइट है,
तो इसे हमने पुश किया ऊपर की तरफ और ये खुल गया है, ये ढीला हो चुका है। तो अब हम करेंगे कि ये पाना हम इसे यहीं को इसे यहीं फांस देंगे पाने को, और हम इसे फुट रेस्ट को घुमाएंगे तो ये आराम से इजीली खुल जाएगा धीरे धीरे। इस साइलेंसर के टोटल दो पॉइंट्स होते हैं जिससे कि ये साइलेंसर लगा हुआ होता है बुलेट से। तो यहाँ से हमने ये फुट रेस्ट भी खोल लिया है और अब ये साइलेंसर बिल्कुल फ्री हो चुका है, बस ये थोड़ा अटका हुआ है इसके बैंड पाइप पे। तो अब हमें करना ये है कि अब हम इस साइलेंसर को पीछे से पुश करेंगे, पीछे से खींचेंगे इसको थोड़ा, जिससे कि ये साइलेंसर ईजिली बिल्कुल बाहर आ जाएगा। थोड़ा टाइट पुश खींचना पड़ेगा हमें। तो ये हम खींच रहे हैं और ये नीचे आ गया, पूरा साइलेंसर निकल चुका है अब। और इसमें सबसे मेन चीज़ जो रहती है वो आपको भूलनी नहीं है, ये है इसका बुश जो कि बैंड पाइप के बिल्कुल मुंह पे लगता है, ये यहाँ पे लगता है बिल्कुल बुश। और ये बहुत ज़रूरी होता है BS6 गाड़ी में, तो ये बहुत ज़रूरी है और BS4 में भी लगता है। हाँ, हालाँकि BS3 बुलेट जो हैं उनमें बुश की ज़रूरत नहीं होती, पर इसमें हमें लगाना है। तो ये है इसकी एक पत्ती लगी हुई है इसमें कंपनी के साइलेंसर में, ये हमें खोल लेनी है। तो ये पत्ती खोलनी है ज़रूर, क्योंकि इस पत्ती को हमें अपने दूसरे साइलेंसर के फिट करना पड़ेगा उस पर, इसके बिना वरना साइलेंसर लगेगा नहीं। तो ये हमने खोल लिए और अब हम इस पत्ती को अपने दूसरे साइलेंसर जो कि हम लगाएंगे, आज हम अपने बुलेट में लगाने वाले हैं ये छोटा पंजाब साइलेंसर, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इस साइलेंसर को नहीं लगाया, तो आज हम इसी साइलेंसर को अपनी बुलेट में लगाएंगे और इसकी आवाज़ भी काफ़ी बढ़िया है। ये साइलेंसर मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है अपने। और एक और पत्ती है जिससे कि साइलेंसर पे लगाना है, ये बड़ी वाली पत्ती होती है मेन पत्ती, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। और इन पत्तियों में सब में एक एक नट लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं दूसरा नट, और वैसे इसमें एक नट से काम चल जाएगा आराम से, क्योंकि ये साइलेंसर ज़्यादा हैवी नहीं है। कंपनी फिटेड साइलेंसर में दो नट्स लगाए जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी हैवी होता है, उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसमें मेरे पास एक नट है, सिंगल नट ही है, तो मैं सिंगल नट का यूज़ करके अभी इस साइलेंसर को लगा रहा हूँ, क्योंकि ये साइलेंसर मैं अभी टेम्प्रेरी यूज़ के लिए लगा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लगा रहा, क्योंकि इन साइलेंसर को आप लॉन्ग टर्म वैसे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इन साइलेंसर पे काफ़ी हैवी चलान है और मेरे एक बार चलान हो भी चुका है इस साइलेंसर पे। तो ये टेम्प्रेरी यूज़ के लिए है और अभी हम टेम्प्रेरी यूज़ के लिए लगा रहे हैं, तो इसे सिंगल नट पे ही मैं इसे टाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद ये साइलेंसर वैसे भी हटाना है। ये एक शौक के लिए है। तो सबसे पहले मैं जो कुछ ऑयल लगा लेता हूँ अपने बुश के ऊपर, क्योंकि इस बुश के ऊपर थोड़ा सा जंग लग चुका है जिससे कि ये साइलेंसर अंदर जाने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं थोड़ा ऑयल लगा रहा हूँ इसमें। ये थोड़ा इंजन ऑयल है मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने इस पे इंजन ऑयल लगा लिया। अब मैं साइलेंसर को इसमें लगाऊंगा, इसमें पुश करूंगा तो आराम से इजीली वो आराम से चला जाएगा। अगर मैं बिना ऑयल लगाए इसको लगाता तो ये काफ़ी दिक्कत करता, क्योंकि इसके बुश में थोड़ा जंग लग चुका था। तो अब मैंने इसमें थोड़ा पुश किया तो ये आराम से इजीली जा रहा है बिल्कुल, ऑयल लगाने की वजह से इसमें थोड़ी स्मूथनेस आ गई है। तो हमें करना ये है कि ये जो आप पत्ती देख रहे हो इसको हमें इस पॉइंट से मिलाना है बिल्कुल, तो इसकी फिटिंग बिल्कुल बढ़िया बैठ जाएगी। ये देख लो आप, यहाँ पे बैठ गया। अब मैंने इसमें नट लगा लिया है बिल्कुल, और पीछे की फिटिंग भी बिल्कुल प्रॉपर बैठ चुकी है, ये पीछे की पत्ती भी बिल्कुल बैठ गई। अब हम फुट रेस्ट लगाएंगे इसमें, फुट रेस्ट वाला नट खोल लेता हूँ पहले मैं। ये इसमें लग चुका है आराम से, थोड़ा दिक्कत होगी, इसमें लग गया है फुट रेस्ट। अब इसका नट मैं लगा लेता हूँ और फिर इसको टाइट कर लेंगे। ये है इसका नट, ये 17 नंबर का नट है और इसके लिए आपको 17 नंबर का पाना चाहिए। तो इसको टाइट कर लेते हैं पहले हाथ से थोड़ा, फिर इसको 17 नंबर के पाने से मैं टाइट कर लूँगा पूरा। और ये हमने अपने 12 नंबर का नट लगा लिया है, इसको अपनी 12 नंबर की चाबी से हम कसेंगे, अच्छे से टाइट कर लेंगे इसको। अगर हमारे पास टी होती है, जो टी कहते हैं जिसको,
तो उससे तो ज़्यादा आसानी होती, पर कोई नहीं, हम अपनी बुलेट की टूल किट से ही इसे चेंज करके दिखा रहे हैं आपको। तो ये 17 नंबर का पाना इसमें लगा लिया मैंने। अब मैंने इसको एक जगह पे फंसा दिया और इसको फुटरेस्ट को गोल गोल घुमाऊंगा तो ये नट टाइट होता चला जाएगा, और फिर आगे जितना बचेगा उसको मैं पूरा अच्छे से टाइट कर लूँगा जिससे कि पूरी प्रॉपर फिटिंग हो और साइलेंसर हिले ना। तो ये मैंने पूरा लगा लिया है, और इसके में आपको एक बात का ध्यान देना है कि ये फुटरेस्ट जो है वो ऊपर की तरफ हो, क्योंकि बहुत सी बार मेरे से भी ये गलती हुई है साइलेंसर को चेंज करते हुए कि ये फुटरेस्ट मैंने उल्टा लगा दिया जिससे कि ये फुटरेस्ट नीचे को खुलता है। और अब बचा कुचा थोड़ा जो नट है वो मैं टाइट कर लेता हूँ इसके साइलेंसर के नीचे से ताकि प्रॉपर फिटिंग हो और बिल्कुल हिले ना ये। तो पूरा फिट हो चुका है इस टाइम पे। यहाँ पे भी एक नट लगता है, पर मैंने यहाँ पे एक जो नट होता है वो मैंने लगाया नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल भी नहीं था, और जैसे आप देख रहे हो ये कंपनी के साइलेंसर में यहाँ पे लगा रहता है। वैसे यहाँ पे अगर हम नट नहीं लगाते तो कोई इशू नहीं होता उससे, कोई आपकी बुलेट में या फिर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक प्रॉपर फिटिंग के लिए होता है, यहाँ पे नट लगा लेंगे आप तो थोड़ा सा ये टाइट हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ना भी लगाएं तो भी बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो ये साइलेंसर हमारा पूरा लग चुका है इस टाइम पे, पूरा फिट हो चुका है, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा। टेम्प्ररी यूज़ के लिए ही लगाना है इसीलिए ज़्यादा प्रॉपर फिटिंग मैं इसकी कर नहीं रहा। अगर आप चाहें तो इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से जैसे जैसे मैंने आपको बताया पूरा आप वैसे कर सकते हैं। अब हम इसकी बेंट पाइप की जो शील्ड है उसको लगा लेता हूँ मैं, दोनों के दोनों नट लगा के मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसमें पहला नट लगा लिया और ये दूसरा नट, ये 10 नंबर के नट है दोनों के दोनों। ये मैंने सिर्फ आपको खोल के दिखाया कि जिससे आपको इजीली पूरा दिख सके, वैसे इस हीट शील्ड को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसके बिना भी हम साइलेंसर को चेंज कर सकते हैं। तो ये लग चुका है पूरा साइलेंसर अब। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा अच्छे से स्टेप टू स्टेप बताया कि साइलेंसर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये देख लो आप, साइलेंसर की बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग है, बिल्कुल अलाइनमेंट इसकी सही है, कहीं से टेढ़ा नहीं है। अब मैं इसकी आपको आवाज़ सुना देता हूँ बढ़िया चला के, और आपको एंड में इसकी आवाज़ सुनाऊँगा थोड़ी रैव करके, थोड़ी भगा के इसको, जिससे कि आपको बढ़िया से अंदाज़ा लग सकेगा। इस साइलेंसर की आवाज़ काफ़ी लाउड है, बड़ा पंजाब साइलेंसर जो होता है उससे भी काफ़ी लाउड है, और इसको काफ़ी लोग पसंद करते हैं। इसका असली नाम है मिनी पंजाब साइलेंसर, और बहुत लोग लगाते हैं साइलेंसर को। तो आप इस साइलेंसर की साउंड को सुनो अच्छे से, और वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।